हेलो फ्रेंड्स, आज हम HMP के स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन के बारे में जानेंगे जो ड्रेन KVA का विदाउट टाइमर 1 and 2 फेस विथ 24 इंच के ब्रास रॉड वाला मॉडल है। ये ज़्यादातर अलमारी के फैब्रिकेशन यूज में होता है, जो अलमारी बनाते हैं उसके लिए ये बेस्ट मॉडल है। इसमें हमने 24 इंच के ब्रास रॉड दिए है, जिससे अलमारी बनाने के बहुत फ़ायदा रहता है सेंटर डिस्टेंस का। इसमें हमने 24 इंच के ब्रास रोड के साथ में स्ट्रेट रोड भी दिए है, जो भी आप जेड या स्ट्रेट दोनों यूज़ कर सकते हो। इसमें हमने वाटर कूलिंग के लिए इनलेट और आउटलेट की सिस्टम दी हुई है, जिससे आप वाटर सर्कुलेट करके ब्रास रोड को कूल कर रख सकते हो। आइए अब ये 10 KVA 100% कॉपर सुपर मॉडल के बारे में देखते हैं। इसमें हमने ब्रास रोड की साइज में 24 इंच का दिया हुआ है और जेड शेप एंगल दिया हुआ है। इसमें आप 18 इंच के भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर 24 इंच के ब्रास रोड में जेड शेप अलमारी के लिए बेस्ट रहते हैं। इसके पावर सप्लाई के बारे में जानते हैं। आपको मशीन चालू करने के लिए यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है, जिसको आप ऑन करते ही आपका मशीन चालू हो जाएगा। और 1 से 8 की रोटरी स्विच दी हुई है, जो आप पावर कम ज़्यादा करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अब मेन सप्लाई के बारे में देखते हैं। यहाँ पे आपको अपना मेन सप्लाई देना है, जो लाइन से आता है। ये 2 फेज पे या सिंगल फेज दोनों पे काम करती है। अभी फिलहाल मशीन 2 फेज पे है। अगर आपको सिंगल फेज में मशीन करनी है तो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, जिससे आप कन्वर्ट करके 2 फेज में से सिंगल फेज कर सकते हो। अभी फिलहाल ये मशीन 440 वोल्ट 2 फेज में है, जो लिंक की हुई है। अब आपको सिंगल फेज 230 वोल्ट पे करना है, तो ये 440 की लिंक को चेंज करके आपको 230 वोल्ट सिंगल फेज में कन्वर्ट करना है, जो लेफ्ट वाला स्टड है। लेकिन याद रहे, आपको मेन सप्लाई यहाँ ऊपर ही करना है। आइए अब इसको वेल्ड करके देखते हैं। ये MS SS GI सभी में यूज होती है। ये ज़्यादातर अलमारी वाले यूज़ करते हैं। हमारे पास हर प्रकार के पेडेस्टल स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन अवेलेबल है, जो 100% कॉपर, सेमी कॉपर, 1 and 2 फेस एंड विथ एंड विदाउट टाइमर में अवेलेबल है। और कुछ जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट है www.hmpdrills.com।